ऑल वीवो फोन हार्ड रीसेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपने वीवो के फोन को हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से पावर के बटन को दबाना है। पावर के बटन को दबाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पावर ऑफ, तो आपको इसको ऑफ कर देना है। जब दोस्तों आपका मोबाइल फोन ऑफ हो जाएगा तो आपको ये वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन को कुछ इस तरीके से एक साथ दबाना होगा। जब दोस्तों आप इसको दबा कर रखेंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दोनों बटन छोड़ देने हैं। दोनों बटन को छोड़ने का दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की मदद से यहाँ मिलेगा आपको रिकवरी वाला ऑप्शन, तो आपको इस पर आना है और पावर के बटन से इसको ओके कर देना है, यानी कि ऑन ऑफ के बटन की मदद से। पावर बटन को दबा के आप उसको ओके कर देंगे तो आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका मोबाइल फोन रिकवरी मोड में आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा क्लियर डाटा वाला ऑप्शन, देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको इस पर करना है टच। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको क्लियर ऑल डाटा, तो आपको इस पर टच कर देना है। यदि दोस्तों आप इस पर करेंगे टच तो यहाँ पे आपके सामने नीचे तरफ मिलेगा क्लियर ऑल डाटा, ऑल यूजर डाटा विल बी डिलीटेड। तो आपको इसको दोस्तों यहाँ पर करना है ओके। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे ओके शो हो रहा है, तो आपको इसको ओके कर देना है। यहाँ पे देखिए क्लियरिंग डाटा हो रहा है, डू नॉट ऑपरेट द डिवाइस। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको क्लियर होने देना है। देखिए यहाँ पे लाइन चल रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइपिंग डाटा लिखा हुआ आ गया, फॉर्मेट डाटा आ गया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग डाटा लिखा हुआ आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मेटिंग कैशे डाटा वाइप कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा डाटा वाइप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा ऑल डाटा डिलीट हो गया है, हमारा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो गया है। अब आपको इसको रिटर्न कर देना है इस तरीके से टच करके। फिर आपको इसको यहाँ से इसको करना है बैक। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको कर देना है रीस्टार्ट, यानी कि दोबारा से इसको चालू कर देना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ओके वाला बटन, जब आप इसको ओके करेंगे, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ओके शो हो रहा है, तो आपको इसको ओके कर देना है। तो ओके करने का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक बंद होकर चालू होगा, यानी कि रिस्टार्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका मोबाइल फोन ऑन होने में थोड़ा सा समय ले सकता है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अपने मोबाइल फोन को हार्ड रीसेट किया है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर आपको 4 से 5 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो इस तरह दोस्तों आपका वीवो का फोन हार्ड रीसेट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप वीवो के मोस्टली मोबाइल को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।